अगली खबर आ रही है जलोर जिले से, जहां टोल के रुपए मांगने पर कार का ड्राइवर इतना नाराज हो गया कि उसने टोल कर्मी पर कार चढ़ा दी। ड्राइवर टोल कर्मी को कार से करीब 20 फीट तक घसीट कर ले गया। कार के नीचे दबने और सड़क पर घसीटने से टोल कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला जलोर जिले के बिशनगढ़ थाना क्षेत्र का सोमवार रात का है। इसका वीडियो मंगलवार को सामने आया है। जलोर मांडलवा टोल प्लाजा के मैनेजर सतवीर सिंह यादव ने बताया कि रात को केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के नंबर की एक कार आई, जिसमें ड्राइवर सुमित कुमार निवासी उम्मेदाबाद के साथ एक अन्य व्यक्ति भी बैठा था। कर्मचारी ने टोल के रुपए मांगे तो उन लोगों ने रुपए देने से इनकार कर दिया और बिना टोल दिए ही भागने लगे। जब टोल कर्मचारी जय सिंह ने कार के आगे खड़े होकर रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी। थोड़ी दूर तक तो टोल कर्मचारी गाड़ी के आगे खड़ा रहा, लेकिन जब कार की स्पीड बढ़ी तो उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। टोल मैनेजर ने बताया कि जब कर्मचारी नीचे गिरा तो भी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और उसे कार के साथ करीब 20 फीट तक घसीट कर ले गया। इस दौरान टोल कर्मचारी गाड़ी के नीचे दब गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के दौरान बाकी टोल कर्मचारियों ने पीछा कर आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया। इसके बाद गाड़ी को ऊंचा कर घायल टोल कर्मचारी को बाहर निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसको जयपुर रेफर कर दिया गया। उधर सूचना पर बिशनगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसका साथी मौके से फरार हो गया। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि एक कार ड्राइवर ने बिना टोल दिए गाड़ी आगे बढ़ा दी। इस दौरान टोल कर्मचारी गाड़ी के आगे आ गया, जिसे ड्राइवर साथ में घसीटते हुए ले गया। मामला गंभीर होने पर ड्राइवर के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करते हुए गाड़ी को जब्त कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ड्राइवर विकलांग है। उसने टोल पर झगड़ा किया है कि मैं विकलांग हूं और टोल का पैसा नहीं दूंगा। इस बात को लेकर उसका टोल कर्मचारी से झगड़ा हो गया था। मुलजी मैं विकलांग है और उसने कोई झगड़ा किया कि मैं विकलांग होने के नाते टोल का पैसा नहीं दूंगा। इस बात को लेकर के आपस में झगड़ा हुआ।